अपने मूड को चार्ज करना हो, कोई त्योहार हो या फिर घर पर कोई मेहमान आया हो या फिर बोर हो रहे हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि कुछ अच्छा सा बना करके खाया जाए, है ना। तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही रेसिपी जो आप कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही आसान हैं और रैंडम रेसिपीज़ मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में, खाने में, डिनर में, लंच में, स्नैक्स में, और आप उनको बना करके भी रख सकते हैं। इस तरह की मैं रेसिपी आपके साथ में आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो पहले बोल रही हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ सामान लेने के लिए मैं मार्केट गई हुई थी और सामान लेकर के आई तो घर के जो यूजुअल काम रहते हैं वो सारे काम से मैं फ्री होकर के, सबसे पहले लंच का टाइम था तो लंच में मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला रायता। तो एक ये एक ऐसा रायता है जिसको आपको जैसे लंच के साथ में ना भी करें ना, अगर आप ऐसे ही बोल भर के खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, मतलब आपका पेट भर जाएगा पर नियत नहीं भरेगी। इसके लिए ना मैंने क्या किया है, मैं बहुत बनाती हूँ इसको, दही लिया है एक बोल और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा काला नमक, थोड़े मसाले जाएंगे इसके अंदर और काला नमक के साथ साथ जाएगी एक चम्मच शुगर, और शुगर के साथ में मैंने डाली है इसमें एक चम्मच काली मिर्च और डाला है चाट मसाला। इन सभी मसालों को डाल करके हम मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर नहीं डाला। अनियन डाली है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, एक कुकम्बर डाला है बारीक बारीक चॉप करके, टमाटो डाला है और मैंने डाली है रीजिंस यानी कि किशमिश। इन सभी को डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है और रेडी हो गया हमारा बहुत ही यम्मी वाला रायता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपने एक बार बनाया ना तो आप बार बार ट्राई करोगे। अच्छा, क्या कभी आपने मखाना भेल ट्राई की है? अगर नहीं ट्राई की तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस जितने आपको भेल बनानी है उतने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। हाथ से तोड़ करके देखेंगे, जब क्रंची हो जाएगी ना तब उसको फ्लेम को बंद करके मखानों को ठंडा करने रख देंगे और करेंगे कुछ वेजिटेबल चॉप। तो मैंने यहाँ पर चॉप की है थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ा सा कुकम्बर और अनियन ली है, टमाटो ली है। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं, वो अच्छे लगते हैं बॉयल कॉर्न। तो अब ये सब चीज़ें डालने के बाद में मैंने इसके अंदर डाला है चाट मसाला। अच्छा, मसाले जो रहेंगे ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैंने चाट मसाला डाला, काला नमक डाला, काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसको डालने के बाद में जो इमली का पल्प होता है ना, इमली का पल्प भी डालना है। थोड़ा सा मीठा अगर आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने तो गुड़ और इमली की चटनी डाल दी थी और इसके बाद में थोड़ी सी बूंदी डाल दी है प्लेन वाली और डालने हैं थोड़े से भुने हुए चने। भुने हुए चनों के साथ में हम अपने मखाना को भी डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे नींबू का रस। इसको हैंड टू हैंड मिक्स करके तुरंत से सर्व करना है क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर के लिए रख देंगे ना तो ये सॉगी हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, क्रंची और टेस्टी भी और उसके साथ साथ हेल्दी भी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप बना करके स्टोर करके रख लीजिए, 20 से 25 दिन एक महीना तक आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वेट लॉस में हैं या बच्चे सुबह सुबह जैसे कुछ हैवी नहीं खाना चाहते तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आप उनको देंगे, एनर्जी भी इसमें भरपूर है और सारे न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेंगे। तो बनाना बहुत आसान है, बस किस तरीके से बनाएंगे और क्या बना रही हूँ वो अभी आपको आगे बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं बादाम को रोस्ट कर रही हूँ और मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी ऑयल का मैं यूज नहीं कर रही हूँ। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें करना है, हल्की हल्की आंच पर इसको रोस्ट करते जाना है। जब रोस्ट हो जाएंगे फिर इनको करना है ठंडा, उसके बाद करेंगे हम इसको चॉप। यहाँ पे जो बादाम मैंने यूज किए हैं वो आधा कटोरी के करीबन यूज किए हैं और इनको मैंने रोस्ट कर लिया है, अभी ये ठंडे हो रहे हैं। और अब मैं लूंगी यहाँ पर पम्पकिन सीड्स। अब चूंकि मैंने यहाँ पर रोस्टेड पम्पकिन सीड का यूज कर रही हूँ तो इसको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोस्टेड नहीं यूज कर रहे हैं तो आप आधा कटोरी के करीबन पम्पकिन सीड्स भी इसमें डाल करके, पैन में डाल करके अलग से एक एक करके ही रोस्ट करना है, उनको भी रोस्ट कर लीजिए। तो मैं तो इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। इसके बाद में मैंने लिए हैं एक कटोरी ओट्स और ओट्स को भी हमें ड्राई रोस्ट ही करना है लगभग 5 से 7 मिनट तक के लिए और उसके बाद में फ्लेम को बंद कर देना है, इसका कच्चापन और जो मॉइस्चर होता है ना वो निकल जाए। अब इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ और तब तक मैं अपने बादाम को भी चॉप कर लूँगी और साथ ही साथ कुछ और सीड्स भी मैं रोस्ट कर रही हूँ, जिसमें 2 चम्मच लिए हैं मैंने फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज।
इनको भी रोस्ट करके ठंडा कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, इसके अंदर चिया सीड्स भी पड़ते हैं, लेकिन मैं इनको इसके अंदर नहीं मिक्स करती हूँ, मैं रात को सोक करके रख देती हूँ और फिर सुबह को सोक्ड वाले यूज़ करती हूँ। तो ये है वो सभी सामान जिससे हम बना रहे हैं होममेड म्यूसली। आप में से किसी फ्रेंड का कमेंट आया था कि म्यूसली की रेसिपी शेयर करूँ, तो देखिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी भी है और आसान भी है बनानी। इसमें मैंने लिए हैं 1 कटोरी ओट्स, 2 कटोरी के करीबन मैंने लिया है इसमें कॉर्नफ्लेक्स, 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स और लगभग आधा कटोरी के करीबन पम्पकिन सीड जो कि रोस्टेड हैं। किशमिश ली है मैंने और इसमें बेरीज भी डाल सकते हैं, ड्राई बेरीज मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने नहीं डाली। और हाँ, खरबूजे की मींग यानी कि जो मेलन सीड्स होते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड्स किए हैं। बाकी आप जो भी सीड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स वगैरह, वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो बस सबको मिक्स करके हल्के हाथ से क्रश करना है और इसको स्टोर करके रख देना है। जब भी आपने इसको खाना है ब्रेकफास्ट में, तो आपने इसके अंदर बस थोड़े से फ्रूट्स फ्रेश काट करके डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। साथ ही चिया सीड्स को फिर भिगो करके इसके अंदर ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब बना रही हूँ एक ऐसा डाइजेस्टिव पाउडर जो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप खाना खाने के बाद में, रात के खाने के बाद में आप इसको 1 चम्मच गर्म पानी में ले लें, तो आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या फिर अगर खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो इसको ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच ली है अजवाइन और 2 चम्मच ली है मैंने मोटी सौंफ। इन दोनों को हल्का सा रोस्ट करना है जिससे कि कच्चापन निकल जाए। और 2 चम्मच ही मैंने लिया है यहाँ पर जीरा। जीरे को हमें रोस्ट नहीं करना है क्योंकि आयुर्वेद में बताया जाता है कि जीरे को इसके लिए कच्चा ही यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें काला नमक डाला है और 1/2 चम्मच हींग डाली है। इन सभी का एक पाउडर बना लेना है दोनों चीज़ें ठंडी हो जाने के बाद में, और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कई बार ना ब्लोटिंग वगैरह होती है या खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम वगैरह होती है, तो इसको रात को डिनर के बाद में आपने 1 चम्मच सोने से पहले बस गुनगुने पानी में ले लेना है। अगर आप नॉर्मली भी डिनर के बाद में ये लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, एक चूरन का काम करता है, मेरे घर में हमेशा ही रहता है। अब बनाने जा रही हूँ एक ऐसी प्रोटीन रिच रेसिपी जो आप लंच या डिनर में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सोयाबीन के ग्रेन्यूल्स यानी कि न्यूट्री के ग्रेन्यूल्स, इस तरीके के आते हैं। और इसको मैंने पानी में सोक करके रखा था, हल्के गुनगुने पानी में मैंने 30 मिनट के लिए सोक करने के लिए रखा था। और अब इसको इस तरीके से दबा दबा के इसके अंदर ना एक पीला पीला पानी निकलता है, उसको बिल्कुल निकाल देना है। और ये झाग वाला पानी जितना भी होता है ना उसको बिल्कुल निकाल देना है। तो इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेनर के अंदर डाल करके रनिंग वाटर में इसको अच्छे से वॉश किया है और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको निचोड़ करके, मतलब हाथ से दबा दबा करके बिल्कुल निकाल दिया है। अब हम इसको बनाएंगे किस तरीके से। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर चीज़ें मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो गर्म होने के बाद में मैंने इसमें लिया है लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ। इन सभी चीज़ों को डाल दूँगी मैं अपने मस्टर्ड ऑयल में जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इनको क्रैकल होने के लिए दूँगी अच्छे से। और उसके बाद में मैं डालूँगी इसके अंदर 1.5 मैंने अनियन ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाला है। गार्लिक की क्लोव्स डालनी है यानी कि लहसुन की कलियाँ डालनी है कूट करके 4 से 5, और वो डालने के बाद में इसको अच्छे से भून लेंगे। अगर आप अदरक और लहसुन भी अदरक और हरी मिर्च भी खाते हैं ना गर्मी में, तो आप उसको डाल सकते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा अवॉइड करते हैं तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। इसको अच्छे से भूनेंगे, जितना ज़्यादा आप अनियन को भूनेंगे तो उतना ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में मैंने डाले हैं लगभग 3 टमाटर मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक चॉप करके। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके अंदर जिससे कि टमाटर जल्दी से गल जाएँ। जब टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे तो इसके अंदर हम डालेंगे बेसिक मसाले, और मसालों में मैंने डाला है सिर्फ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और डाला है धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। इसके अलावा 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाला है इसमें किचन किंग। इन सभी मसालों को डाल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले के बिल्कुल अच्छा से भुनने तक इसको हम पका लेंगे। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे तब मैंने इसके अंदर डाली है 1 चम्मच शुगर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, और उसके बाद में डाली है 2 चम्मच फ्रेश क्रीम।
क्रीम को डाल करके मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता। और जैसे ही तेल सेपरेट होता है, जो भी न्यूट्री ग्रैन्यूल्स हमने यानी कि सोयाबीन के ग्रैन्यूल्स हमने धो करके रखे थे उसको इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही डालेंगे इसके अंदर मटर। तो यहाँ पर मैंने मटर जो यूज़ किए हैं वो फ्रोज़न वाले यूज़ किए हैं, इनको वॉश कर लिया था मैंने अच्छे से और फिर ये मटर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लगभग एक छोटा ग्लास पानी और पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगभग 15 मिनट्स के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पर ढक करके पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाती और इसका पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। बिल्कुल 100% पानी को रिड्यूस नहीं करना है। वैसे तो अगर आपको ड्राई पसंद है तो आप ड्राई कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी लटपटी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दीजिएगा। लास्ट में जब ये तैयार हो जाएगी तो इसके ऊपर फ्रेश बटर रख करके सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है। मुझे कहीं जाना था इवनिंग में तो मैंने इसी करके आज डिनर जो था वो थोड़ा जल्दी प्रिपेयर कर दिया था। और अब मुझे ना ये वाला एक प्लांट था जो कि मुझे रीपॉट करना था। ये काफ़ी पुराना प्लांट है, लगभग 2 साल पुराना प्लांट है। लिपस्टिक एग्लोनिमा इसका नाम है और बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उसको मैं ना अब थोड़ा बड़े प्लांटर में रिपॉट करूँगी। तो ये मेरे पास एक मैंने प्लांटर खरीदे थे ना, उसके अंदर बीच में मैंने होल कर दिया है। इसके अंदर ना नीचे व्हील लगे हुए थे तो मैंने होल करके इसके अंदर अब प्लांट जो है उसको रिपॉट करूँगी। तो एक अच्छी सी मिट्टी मैंने तैयार की है और इस मिट्टी में मैंने मिलाया है 40% कोकोपीट और 40% मैंने मिलाई है अपनी रिवर सैंड और गार्डन की सॉइल। इसके अंदर मिलाया है मैंने कॉम्पोस्ट और थोड़ा सा मैंने परलाइट भी मिलाया है, अगर आपको दाने सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे हो तो वो सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद में मैं इसको रिपॉट कर दूंगी। इस तरीके से रिपॉट करने के बाद में अब इसको अच्छे से पानी दे दूंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो रखा था, बैल्कनी में डस्ट वगैरह आती है ना, तो बस इसको मैंने अच्छे से कर दिया है रिपॉट और अपनी बैल्कनी को भी क्लीन करने के बाद में मैं आ गई हूँ अंदर वापस किचन में, क्योंकि मुझे भगवान जी का आज भोग भी बनाना था तो उनके लिए पंजीरी या लड्डू देखिए कुछ भी बनाती हूँ तो वो बना करके रख रही हूँ। मैंने फ़िलहाल तो ये आटा भून दिया है घी के साथ में और सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं। कहीं बाहर जाने से पहले अगर सारे काम से फ्री होकर के जाएं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के जाया जाता है, वापस आकर के काम करने की टेंशन नहीं होती है। तो बस मैंने भी अपने सारे काम निपटाए और उसके बाद में मैं निकल गई थी। आज का वीडियो दोस्तों इतना ही रख रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।